सिगरेट दे यार। विनोद, क्या सोचा तुमने चंदर के बारे में? अरे सोचना क्या है यार, माचिस है। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो मुझसे कहो, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? कॉलेज का एनुअल फंक्शन होने वाला है ना, तो उसमें देखना क्या ड्रामा होता है। ड्रामा ड्रामा। अब हम आपको सैकड़ों बरस पहले की दिल्ली ले चलते हैं। जमाना रजिया सुल्तान का है, जो दारोगाए अस्तबल अमीर याकूत हबशी पे आशिक हो गई थी। सरहंद का गवर्नर और रजिया का तलबगार दिल्ली में मौजूद है। रजिया अमीर याकूत से मिलने आती है। वक्त है गई रात का। याकूत रबाब पर अपने वतन की कोई धुन बजा रहा है। वतन की यादगार के तौर पर उसके पास यही नगमा रह गया है, जो उसे हब्श की पुरेसरार पहाड़ियों, वादियों और रेगिस्तान में ले जाता है, जहां उसका बचपन गुजरा था, कि पिछले दरवाजे पर दस्तक होती है। चांद पर बादल अच्छा लगता है मलका यालिया, मगर इस चांद पर नहीं। वफा की तारीख मोहब्बत करने वालों ने हमेशा अपने खूने दिल से लिखी है मलका यालिया, पर चांद को यूं जमीन पर नहीं उतरना चाहिए। चांद तो आसमान पर ही अच्छा लगता है, जमीन से दूर और जमीन बेबस मजबूर। जमीन कतरा कतरा चांदनी पीकर जिंदा रहती है, और यही जमीन की तकदीर है, और यही चांद की मजबूरी। दिल्ली की मलिका को एक गुलाम के पास यूं नहीं आना चाहिए था। ये तो तुम्हें हमारे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलने से पहले सोचना चाहिए था याकूब। हम अपनी परेशानियां लेकर कहां जाएं? अल्तुनिया दिल्ली में है। उमराए सल्तनत चाहते हैं कि उससे हमारी शादी हो जाए। हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा याकूब? शायद वही ये तमाम मोहब्बत करने वालों का होता आया है मलका यालिया। याकूब अल्तुनिया या उसकी तलवार के लोहे से नहीं डरता। याकूब तरबारियों की साजिशों से भी नहीं डरता। याकूब अल्लाह की लिखी हुई तकदीर से भी नहीं डरता। याकूब डरता है तो सिर्फ आपकी बदनामी से, आज जहानी सुल्तान अल्तमश की उन मेहरबानियों से, जिन्होंने गुलाम याकूब को अमीर याकूब बना दिया। अगर आपकी बदनामी का ख्याल ना होता तो खुदा कसम दिल्ली के तख्त पर अपने खंजर की नोक से अपने प्यार की तारीख लिख देता। आंखें बता रही हैं कि तुम जाग रहे थे, फिर दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों? हम जवाब चाहते हैं। अमीर सरहंद को शायद मालूम नहीं ये दिल्ली है, और दिल्ली के दरवाजे किसी को हुक्म से नहीं खुला करते। वो प्यार से खुलते हैं या फिर धोखे से। अपनी जबान को लगाम दे याकूत। जिंदगी अस्तबल में गुजारी है, लगाम देना तो अच्छी तरह याद होगा। मुंह जोर घोड़ों को काबू करना भी नहीं भूला हूं। लगता है तुम्हें अपनी हकीकत याद नहीं रही। हबशी गुलाम, मेरी हकीकत मेरी मयान में है अमीर सरहंद। अगर तुम मलिका मौसमा के मेहमान न होते तो कसम नमक दरबारी दिल्ली की, तुम्हारी हकीकत तुम्हारे खून में तड़पती नजर आती। याकूब, मैं तुम्हारी खान भर कर रख दूंगा। अबे विनोद, ये कौन से डायलॉग बोल रहा है? कमाल है, कमाल साहब, ये क्या बोल रहा है? अफसोस, अमीर सरहंद को आज तक किसने तहजीब नहीं सिखाई। इनकी जबान बाजारी लफ्जों से आलूदा है। बकवास बंद कर। रजिया कहां है? कहां रजिया? याकूत के सामने मलिका यालिया का नाम
एहतराम से लिया जाता है। ओ तेरी तो ऐसी कम तैसी हरामजादे। अबे विनोद वही बोल जो लिखा है, नहीं तो पब्लिक अब सबकी ऐसी की तैसी कर देगी। ओ यू शट अप। तू इस लायक नहीं कि हम तुझ पर अपनी तलवार खींचे। घोड़ों में पल का जवान हुआ है ना, तो सिर्फ कोड़ों की जबान समझ में आएगी तुमको। सुल्तान का ड्रामा है, कोई हंटरवादी का बेटा नहीं। अरे पर्दा गिराओ, अरे जल्दी करो, नहीं तो चक्कर की आदि की दस्त हो जाएगी। अरे गिराओ। You son of a bitch! पूनम, अब छोड़ दो मुझे। प्लीज पूनम, तमाशा बनने से कोई फायदा नहीं। इस पर जबान के लिए तुम अकेला ही काफी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एनुअल डे खराब हो। टू हेल विद द एनुअल डे। ड्रामे में भी ये नीच पर्सनल झगड़ों पे उतर आया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूं। विनोद, मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका हूं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज तुमने हमारे कॉलेज की इज्जत खाक में मिला दी है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अरे ऐसा कर। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, वो वैसे थोड़ा ड्रामे में लग गए। ड्रामे में? वो कैसे? वो क्या हुआ डैड, वो हीरोइन थी ना, उसको मारना नहीं आ रहा था। एंड यू नो आई एम अ डेडिकेटेड एक्टर, तो मैंने उसे कहा घबराओ मत, सचमुच मार दो। कुछ नहीं, थोड़ी सी लगी है डैड। अरे वाह, अगर ड्रामे में जल्लाद को गर्दन काटना नहीं आया तो क्या सचमुच कटवा लोगे? आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आया। आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा डैड, दिस इज जनरेशन गैप। जनरेशन नहीं आएगा समझ गया। डैड, आपको ठाकुर अंकल मिले थे? सच में तुम सीरियस हो? मैं तो कब से चाह रहा था कि पूनम जैसी लड़की बहू बन के इस घर में आए। तुम फिक्र मत करो, ठाकुर मेरे पुराने दोस्त है, उनसे मैं कल ही बात करूंगा। मैं तो यार उन पुरानी धजियल उसी बातों को मानता है कि लड़के वाले हैं तो चल के लड़की वालों के क्यों जाए। जैसे रिश्ते का ख्याल आया मैं विनोद के लिए बात करने आ गया। अब बोल तू क्या कहता। अरे इसमें बोलना क्या है, तू इतनी दूर से आया है बात पक्की करने, तो क्या मैं घर बैठे बैठे बात पक्की नहीं कर सकता? तो मिला हाथ। पूनम, मम्मी क्या सच है कि आप लोग मेरी शादी विनोद के साथ कर रहे हैं? हाँ, तेरे डैडी ने तो बात पक्की भी कर दी मुझसे पूछे बगैर। शादी तो एक ना एक दिन होनी है, इसमें पूछने की क्या बात है? मेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँ मम्मी, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं। अच्छा, मैं समझ गई। कौन है वो? वो कोई बड़ा आदमी तो नहीं है, एक मामूली सीधा साधा सा लड़का है। पर मम्मी हे बहुत अच्छा, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? यही, मेरा मतलब है इसी शहर में रहता है। अरे बता तो सही, वो है कौन? मम्मी वो तेरी खुशी नहीं हमारी खुशी है बेटा, मैं तेरे डैडी से कहकर वही बात करवा दूंगी। लेकिन कुछ तो बता, उसके माँ बाप कौन है, उसका घराना क्या है? घराना मामा मम्मी वो, अरे डरती क्यों है, बोल ना मम्मी। वो लड़का चंदर है। पागल हो गई है क्या? ठाकुरों की बेटी एक नौकर के बेटे से नहीं ब्याही जा सकती। अगर तेरे डैडी ने ये बात सुन ली तो तुम दोनों को गली मार देंगे। मम्मी जानती नहीं, समाज में हर आदमी की अपनी एक जगह होती है और आदमी सिर्फ अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है। अब कभी ये बात न कहना और न कभी सोचना। घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हें मालूम है? फिर तुमने क्या सोचा है? आज पहली बार
मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारे मुकाबले में मैं कितना छोटा हूं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। अभी वो जमाना नहीं आया पूनम कि दो प्यार करने वालों के बीच में समाज और खानदान की कोई दीवार ना हो। जिंदगी हमारी है, इनके फैसले भी हम करेंगे। चंदर, समाज और खानदान की बात यहाँ है, हम कहीं और चलेंगे जहाँ ना कोई तुमसे तुम्हारा खानदान पूछेगा न मुझसे मेरा। पूनम। हाँ चंदर, जब तक घर वालों को पता चलेगा हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। नहीं पूनम, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि हमने प्यार किया है और प्यार कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, फिर हम क्यों भागे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उस जीने से क्या फायदा कि जिंदगी भर ये ख्याल हमारा पीछा करता रहे कि ठाकुर साहब ने इस बदनामी के जहर को कैसे पिया होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा क्योंकि लाडली बेटी एक नौकर की बेटी के साथ भाग गई। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे ज्यादा तुम्हें डैडी की इज्जत से प्यार है? मेरी बात समझने की कोशिश करो पूनम। हमारे यहाँ एक रवायत है, जिस पेड़ का आसरा लिया हो उस पेड़ को नहीं काटते। मैं ठाकुर साहब के एहसानों का बदला ये नहीं देना चाहता जो तुम चाहती हो। मैं आज जो कुछ भी हूं ठाकुर साहब की मेहरबानी की वजह से तो हूं, वरना तुम्हारे घोड़ों के अस्तबल में एक लड़का बढ़कर जवान हुआ होता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तुम उनके एहसानों की कीमत चुकाओ, मैं अपने प्यार की कीमत वहीं चुकाऊंगी जहां मैं शुरू हुआ था। प्यार, प्यार, तुम्हें प्यार का मतलब भी मालूम है? प्यार सिर्फ एक दूसरे को पाने का नाम ही नहीं, एक दूसरे को खोने का नाम भी प्यार ही है।